बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, पहले हमने जब एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्टेंस देखी तो जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां 47% पीपल जो है वो लेबर फोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस एग्रीकल्चर सेक्टर से कनेक्टेड है। 26% ऑफ द जीडीपी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। फिर भी हम देखते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कोई बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एडवांस्ड नहीं है, कोई बहुत ज्यादा हमें उसमें यूनिफॉर्मिटी एंड सिमेट्री नजर नहीं आती। हमें नजर नहीं आता कि कहीं कोई एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई इस तरह गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी जो प्लानिंग है वो कोई खास नजर नहीं आती। नो डाउट हुकूमत के गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी हम जनरली देखते हैं कि वो कौन सी कॉजेज हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी पर एकड़ प्रोडक्शन, पर एकड़ ईल्ड जो है, जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ने की बजाय नॉर्मल या एक मिनिमम सस्टेनेबल लेवल पर मौजूद है। तो उन फैक्टर्स में उन्हें मैंने डिवाइड किया है चार हिस्सों में, तीन हिस्सों में बेसिकली। कुछ टेक्नोलॉजिकल जो रीजंस हैं, टेक्नोलॉजी की जो रीजन है, टेक्नोलॉजिकल रीजंस। उसके बाद नंबर टू पर आते हैं नेचुरल फैक्टर्स, कुछ ऐसे कुदरती फैक्टर भी हैं हम डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से भी प्रोडक्शन हमारी ज्यादा नहीं है। नंबर तीन पर है जो हमारा एक और बहुत बड़ा इशू है, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर जो मैंने लिखे वो टेक्नोलॉजी का रीजन लिखी है। टेक्नोलॉजी की रीजन में जो सबसे मेजर आती है बेटो वो है यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। हम आज भी ज्यादातर रूरल सेक्टर्स में ट्रेडिशनल मेथड से, ओल्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन से प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसी जमीन की वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी आज के जदीद मशीनरी, मॉडर्न सीड्स, फर्टिलाइजर यूज करने के बदले ड्राफ्टिंग के जरिए और मुख्तलिफ ग्राफ्टिंग के जरिए हम ज्यादा कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा फार्मर पुअर है, हमारा किसान ही सरमायादार है, और जब वो सरमायाकारी करता है तो वो ज्यादा अपने रिसोर्सेज पर भरोसा करता है, इंहिसार करता है। हकूमत की तरफ से सपोर्ट ना होने की वजह से उसको पुराना तरीका है काश्तकारी, ओल्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन ही यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से पैदावार उतनी नहीं होती जितनी हासिल की जा सकती है। नंबर टू पर है लैक ऑफ नो हाउ। नो हाउ का मतलब होता है ज्यादा इल्म होना। ज्यादातर जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो अबाव अजदाद से जिस तरह वो मुंतकिल कर रहे हैं, वही एक्सपर्टीज, वही टेक्नोलॉजी मुंतकिल हो रही है। हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। ज्यादातर फार्मर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड लोग जो हैं वो एजुकेटेड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, उन्हें ज्यादा नो हाउ नहीं है कि हम किस मेथडोलॉजीज को यूज करके अपनी फसल को, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है लेस यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बच्चों, लेस यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मुराद जब हम ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ट्यूबवेल और इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स और इस तरह के मुख्तलिफ स्प्रे और अच्छी सीड्स जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, जब उनका यूज नहीं करेंगे। और जब हम देखते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज को, लाइक अगर हम चाइना को देखते हैं तो वहां पूरी पूरी लैंड्स जो है वो आर्टिफिशियल रेन के जरिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे पूरे एरियाज को जो है कल्टीवेटेड किया गया है, और वो ऐसे लगता है कि एक मखसूस जमीन का टुकड़ा बना दिया गया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जहां मीलों तक आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन नजर आएगी। अगर वहां डेयरी फार्मिंग है तो वो भी मशीनरी और टेक्नोलॉजी की मदद से हो रही है। अगर वहां पोल्ट्री फार्मिंग है तो वो भी मशीनरी और टेक्नोलॉजी की मदद से हो रही है। लेकिन जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं, तो यहाँ टेक्नोलॉजी का वैसे इस्तेमाल नहीं है जैसा दूसरे मुल्कों में होता है। फिर इसी तरह नॉन इकोनॉमिक होल्डिंग्स। बेटो, नॉन इकोनॉमिक होल्डिंग का मतलब ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी जमीन और जायदाद को सिर्फ शो और दिखावे के लिए रखा जाता है, उन्हें डेरों की शक्ल में
उन्हें अपने फॉरेस्ट की शक्ल में, जंगलों की शक्ल में, उन्हें अपने हंटिंग रिजॉर्ट के शक्लों में, उन्हें 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 गेस्ट हाउसेस की शक्ल में बहुत सारी जमीन को इस तरह रखा जाता है कि उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पैदावार नहीं की जाती, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन मुल्क की कम होती है। बिल्कुल इसी तरह इन एडेक्यूएट इरीगेशन फैसिलिटीज, इन एडेक्यूएट का मतलब होता है कम होना। इरीगेशन फैसिलिटीज से मुराद है हमारी जो पानी की सहूलियात है, वहां जिन रूरल सेक्टर्स में पानी की जरूरत है फसलों को, जब वहां तक पूरा पानी नहीं पहुंचता, बिजली नहीं पहुंचती, दूसरे रिसोर्सेज नहीं पहुंचते, तो फिर फसल की वो क्वालिटी नहीं होती कि हम उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सके। फिर इसी तरह सॉइल डिजीजेज है, जमीन की अपनी कुछ बीमारियां हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जिन्हें हम इसलिए जरूर डिस्कस करते हैं कि हमारी 18% जो लैंड है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, जिसकी वजह से उनकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी है वो जीरो है, यानी उनसे मजीद प्रोडक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ये टेक्नोलॉजिकल जो रीजंस हैं, इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर की तरफ आते हैं, नेचुरल फैक्टर्स, कुछ कुदरती आफात हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा कि लोकस्ट टडी दल, जिसे हम आम लफ्जों में बोलते हैं, उन्होंने अटैक किया और हमारी 18% जो प्रोडक्शन है उसको पल भर में वेस्ट कर दिया। तो इस तरह के नेचुरल क्लेमिटीज जब आती हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, सैलाब आते हैं, इन तमाम चीजों की वजह से हमारी बहुत सारी जो फसल है वो जाया होती है और हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो कम होती है। उसमें पहला मैंने लिखा नेचुरल क्लेमिटीज, मैंने भी आपको डिस्कस किया, सैलाब आते हैं और खुश्क साली कह जाता है, बारिश नहीं होती, इसे नेचुरल क्लेमिटीज का नाम देते हैं। फिर प्लांट डिजीज है, पहले भी हमने डिस्कस किया कि कुछ जमीन बीमार हो जाती है, जमीन की जो बीमारी है उसको सेम और थोर बोलते हैं। प्लांट की डिजीज है जिसमें इन पर मुख्तलिफ वायरसेस अटैक कर जाते हैं, लोकस्ट अटैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से पौधा ही बीमार हो जाता है, तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसी तरह हमारे पास जो कल्टीवेटेड लैंड है, ये नेचुरल फैक्टर है कि हमारा बहुत सारा एरिया जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कम है। फिर हम एक और नेचुरल फैक्टर है, मल्टीपल यूज नहीं करते। आज के जदीद दौर में एक जमीन को 3 सीजन में या 2 सीजन में या 4 सीजन में यूज किया जाता है, जबकि पाकिस्तान के फार्मर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी फसल को 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सके। उसके बाद देखिए बच्चों सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। बट सोशल फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पास जो यहाँ लिटिगेशन है। लिटिगेशन क्या होता है, जो यहाँ मुकदमेबाजी चलती है, ये मेरे बाप दादा की जमीन थी, वो तकसीम दर तकसीम होती चली जाती है और बाज जमीनों पर बहुत बहुत 10-10 साल 15-15 साल इस तरह के मुकदमेबाजी होती है कि वो किसी के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। दूसरा एक प्रॉब्लम है फ्यूडलिज्म, जागीरदाराना निजाम। जागीरदाराना निजाम में बहुत सी जो एकड़ों की जमीन है वो बेकार रहती है, या मिजारे जिन्हें हम टेनेंट्स बोलते हैं उनके अंडर यूटिलाइजेशन होती है, और वो इस चीज को फोकस नहीं करते कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ेगा, उनको मैटर होता है कि उनकी आमदनी पर क्या असर पड़ेगा। इसी तरह इनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए बच्चों, जब तक कोई मुल्क कोई गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग पॉलिसीज नहीं बनाएगी, 5 साल प्लान बना 7 साल प्लान बना, इन पॉलिसीज को जब तक वो डिटरमिन नहीं करेगी, तब तक एग्रीकल्चर सेक्टर को एज ए होल एक इंडस्ट्री कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ जितनी भी पॉलिसीज बनी है वो किसी भी गवर्नमेंट के ना पूरा होने की वजह से उन पॉलिसीज पर प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो सका। तो बच्चों ये वो मेजर कॉजेज हैं जो आपसे डिस्कस करना थी। नतीजा तक हम ये निकालते हैं कि जब तक यहाँ टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं आएगी, हमारी 47% पॉपुलेशन को जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाएगी, अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर की एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं किया जाएगा, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग बेस्ड स्किल बेस्ड एजुकेशन तब जब तक नहीं सिखाई जाएगी, तब तक हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाली प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं किया जा सकता। तो जब तक हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे, हमारी पर एकड़ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करेगी। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इन कॉजेस की समझ आई, आप इन कॉजेस को मजीद
डिस्कस करें और मुझे अपने मुफीद मशवरों से जरूर बताएं कि आपको और कौन कौन से ऐसे कॉजेज नजर आते हैं जो हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन में कमी का बाइस बनते हैं। थैंक यू।